नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूर्य ग्रहण के समय ऐसे कौन से कार्य हैं जो करने से आपके जीवन पे बहुत गलत प्रभाव पड़ सकते हैं। क्योंकि माना जाता है कि आप सूर्य ग्रहण के समय कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि मूर्ति पूजा करना अनिवार्य नहीं माना जाता। आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं या फिर मन ही मन में भगवान का आराधना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करते समय आप किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करोगे, तो ऐसे खंडित नहीं माना जाएगा। और आप सूर्य ग्रहण के बाद नए वस्त्र पहनना जरूरी होता है। यदि आप सूर्य ग्रहण के बाद नहाकर नए वस्त्र पहनते हैं तो आपके जीवन पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर एक, तुलसी का पौधा। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सूर्य ग्रहण के समय तुलसी को बिल्कुल भी हाथ न लगाएं। ऐसा करने से तुलसी मुरझा जाएगी और उसके जो बीज हैं वे भी सूख जाएंगे। इसलिए माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय आप तुलसी को बिल्कुल भी हाथ न लगाएं और सूर्य ग्रहण के बाद गंगा जल छिड़क के तुलसी का शुद्धिकरण करें। ऐसा करने से जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है तुलसी पर नहीं पड़ेगा। पर तो आप सूर्य ग्रहण के समय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या आपने नामदान लिया हुआ है या फिर किसी गुरु के शिष्य हैं तो उनके द्वारा दिया गया मंत्र भी आप उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन पर सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक और बात आप खास कर ख्याल रखें कि आप दिया जलाकर ही बैठें, क्योंकि ऐसा करते समय आपके जीवन पर जो भी नकारात्मक प्रभाव होंगे वह सब दूर हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में उजाला भरेगा। तीन, ग्रहण के समय आपको ऐसे कुछ भी कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे नहाना, खाना खाना या फिर शौच के लिए जाना। ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय ऐसा करने से जो नकारात्मक प्रभाव है जो आपके शरीर से निकल रहा है या फिर आप जो कार्य कर रहे हैं उसका आपके ऊपर गलत ही प्रभाव पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप सूर्य ग्रहण के समय ऐसे कार्य बिल्कुल ना करें। नंबर चार, अगर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो उस समय के बाद आपको स्नान करना चाहिए, और स्नान करने के बाद अपने पितरों का नाम लेकर, यानी कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका नाम लेकर आपको दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर सूर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके जीवन पर सारी समृद्धि और खुशियां और धन की प्राप्ति होगी। नंबर पाँच, सूर्य ग्रहण के समय यदि आप भगवान का नाम लेते हैं या फिर मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वह आपकी जीवा को शुद्ध करता है और आपके शरीर को भी शुद्ध करता है। और सूर्य ग्रहण के समय आपको स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपवित्र ही माना जाता है। सूर्य ग्रहण के पश्चात यानी कि सूर्य ग्रहण खत्म होते ही आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नए वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि वह आपका शुद्धिकरण हो जाता है। और उसके बाद आपका जो भी घर में जो बिना ढके चीजें हैं उन चीजों को आपको दान कर देना चाहिए, क्योंकि वह पवित्र मानी जाती हैं। तो ये है वह कार्य, सूर्य ग्रहण के समय आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये कार्य करने से आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव आएंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।